कदमा स्थित नील सरोवर छठ पूजा समिति द्वारा पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी। कदमा स्थित नील सरोवर में हजारों श्रद्धालु छठ पूजा में अनुष्ठान के लिए आते हैं। नील सरोवर पूजा समिति ने इस बार अपनी तैयारियों के विषय में जानकारी दी। अध्यक्ष मनोज झा ने बताया कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता 6 नवंबर को उद्घाटन करेंगे और सभी श्रद्धालुओं के लिए दूध पूजन सामग्रियां निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई है। कदमा उलियान में नील सरोवर छठ पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। पूरी पवित्रता के साथ किस तरह से हम लोग यहाँ छठ पूजा का संचालन करें, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुख्य तौर पर कुछ बातें मैं आपके समक्ष ये रखूंगा कि संध्या अर्घ जिस दिन होना है, यानी कि 6 तारीख को 3 बजे प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा छठ घाट पूजा का उद्घाटन किया जाएगा। उसके उपरांत हमारे क्लब के प्रांगण में ही समिति के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाएगी। और इस पूरे दौरान में हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर छठ व्रतधारी छठ करने आते हैं, वहाँ पर हम लोग सुरक्षा रेखा चिन्हित कर बनाएंगे, जहाँ से लोग आगे ना जाएं उसका ध्यान रखेंगे। साथ में हम लोग गोताखोर की व्यवस्था करेंगे, जो कि अगर कोई अप्रिय घटना हो तो समय के अनुसार वहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर सके। आकर्षक विद्युत सज्जा का इंतजाम किया जा रहा है। पूरी पवित्रता के साथ यहाँ पर गाय का दूध निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाता है छठ व्रतधारियों के लिए, जो कि अर्घ देने के काम आते हैं। इसके अलावा जो भी छोटी पूजा में लगने वाली सामग्री है, उन सभी का निःशुल्क वितरण किया जाएगा छठ व्रतधारियों के लिए। ये आपके माध्यम से हम यहाँ के कदमा के नागरिकों को सूचना देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धगोगा सूर्य मंदिर कमेटी ने भी संवाददाता सम्मेलन के द्वारा तैयारियों की जानकारी दी। कमेटी के सचिव कमलेश ने बताया कि गरीबों के लिए पूजन सामग्रियों की मुफ्त व्यवस्था होगी। इस मौके पर मशहूर बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान भजन प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष भी सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा छठ महोत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से तैयारी की जा रही है। पिछले वर्ष जैसे हम लोग करते आए हैं, इस वर्ष भी वो कर रहे हैं। और इसमें खास करके आप लोग मीडिया कर्मियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिसके चलते हमारा सब कार्यक्रम सफल होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार सूर्य मंदिर कमेटी के तत्वाधान में सांस्कृतिक संध्या का जो आयोजन किया गया है, उसमें प्रख्यात गायिका सुनिधि चौहान जी के साथ सुनीता जी, जो धनबाद से हमारे बीच आएंगी, उनका भी कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। यह कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ होगा। सुनिधि चौहान जी रात के 7:30 बजे के बाद वो अपना कार्यक्रम देंगी। इस कार्यक्रम में शहर ही नहीं, झारखंड प्रदेश से भी बहुत लोग और हमारे बहुत सारे अतिथि जो बाहर से भी हमारे बीच इस बार होंगे, बहुत गणमान्य लोग हमारे बीच होंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने फल वितरण का कार्यक्रम रखा है। साक्षी मंगला हाट दुकानदारों ने एक बार फिर उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। प्रस्तावित स्थान को वे बहुत छोटा बता रहे हैं। साक्षी मंगला हाट के दुकानदार मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे मंगला हाट के दोनों यूनियनों ने अब हाथ मिला लिया है। मोहम्मद जावेद का कहना है कि साक्षी 9 नंबर स्टैंड के प्रस्तावित भूमि उनके हिसाब से छोटा है, जहां 600 दुकानें नहीं लग सकती। मिला कि आपका जो है कि मंगला हाट साक्षी 9 नंबर स्टैंड में लगेगा, लेकिन वो जगह बहुत ही छोटा है, जिसमें हमारा करीब 600 दुकानदार है, उसका वहाँ अटना बड़ा मुश्किल है। हम लोग उपायुक्त साहब से मिलकर फिर बात करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज भी पूरे दुकानदार जो है कि हमसे संपर्क में है और शाही आदिल से भी हमारा संपर्क हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन में प्राण न्यौछावर करने वालों की स्मृति में बजरंग दल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महादान के सहभागी बने।
फतेहबासा की खबरें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पश्चिम सिंहभूम के 10,000 बीपीएल परिवारों के बीच मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया प्रशासन ने आरंभ कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम में आज से इस योजना की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन की ओर से मांगेला रुमटा प्लस टू विद्यालय में शिविर लगाया गया, जिसमें सिंहभूम के सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा और उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने गरीब परिवारों के बीच कनेक्शन गैस चूल्हा और सिलेंडर का वितरण किया। सांसद ने कहा कि अगले 3 सालों में झारखंड में 23 लाख गैस कनेक्शन देने की योजना है। सार्वजनिक काली पूजा समिति अमला टोला की ओर से आयोजित काली पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अमला टोला स्थित मां काली मंदिर से सुबह में घट विसर्जन के लिए निकाला गया। कचहरी तालाब में पारंपरिक तरीके से घट का विसर्जन किया गया। घट विसर्जन के बाद संध्या में अमला टोला से प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गयी। अमला टोला से प्रतिमा टेलीफोन एक्सचेंज अमला टोला मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास होते हुए जैन मार्केट सदर थाना पोस्ट ऑफिस चौक अनुमंडल कार्यालय होते हुए कचहरी तालाब पहुंचकर विसर्जन किया गया। विसर्जन में शामिल भक्तों ने नम आंखों से मां काली का विसर्जन किया। विसर्जन जुलूस में जमकर आतिशबाजी की गई। बाजा गाजा के साथ भक्त नाचते हुए विसर्जन जुलूस में चल रहे थे। आइए विसर्जन जुलूस की देखते हैं एक झलक।